आज हम लोग गिलोय के जो बेनिफिट्स हैं, जो पार्ट वन में हम लोग देखे थे, उसके अलावा और कितने बेनिफिट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाले थे पहले गिलोय, ये कॉमन नेम है, इसको अमृता या गुडुची के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी गिलोय का जो कामन नेम है वो अमृता भी है और गुडुची भी है। अमृता एक तरह से अमृत के समान है। तो ये पार्ट टू में आप देखेंगे, पार्ट वन हो गया, ये पार्ट टू है। इसमें आप देखेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम लिख देते हैं, टीनो स्पोरा कॉर्डियो कॉर्डिफोलिया, ये हो गया आपका बोटेनिकल नेम। इसकी फैमिली मेनी स्पर्मेसी, मेनी स्पर्मेसी इसकी फैमिली है, याद कर लेंगे। अब देखते हैं ये जो बेनिफिट्स हैं इसके, चूंकि पार्ट्स ऑफ मेडिसिनल जो वैल्यू है वो ऑल पार्ट्स होता है, जिसमें स्टेम का ज़्यादा एक तरह से एल्कलाइड होते हैं तो वो ज़्यादा प्रयोग में आता है। फिर उसके बाद रूट का नंबर होता है, सबसे लास्ट में लीफ का होता है। तो अगर जिस प्रकार के कम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट है मैक्सिमम मेडिसिन वैल्यू, तो उसमें स्टेम पहले पे आएगा, दूसरे पे रूट आएगा, तीसरे पे लीफ आएगा। तो ये है, वैसे ऑल पार्ट्स इसके यूज में आते हैं। पार्ट फर्स्ट में आप देखे होंगे, अब जो बचा है यानी फाइव पार्ट्स आप गिलोय पार्ट्स वन में देखे थे, उसके बाद सिक्स नंबर से देखते हैं इसमें। इसमें आप देखेंगे जो छठा नंबर है यानी गिलोय कॉन्टेंट एंटी ऑक्सीडेंट, ये हो गया, यानी इसमें एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये क्या करता है कि जो फ्री रेडिकल बनते हैं उसको दूर करता है, जिससे हमारा सेल का जो भी रिएक्शन होता है बहुत अच्छे से होता है। तो ये एंटी ऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं, और ये क्या करता है, अब जैसे ल्यूटिन जैसे पाए जाते हैं, और ये क्या करता है, इससे आँख के लिए फायदा करता है, विच गुड फॉर आइज। वैसे बहुत सारे जो सेलुलर रिएक्शंस होते हैं तो उससे एंटीऑक्सीडेंट से उसको बहुत फायदे मिलते हैं। तो उसी में अगर जो आँख से संबंधित यानी ल्यूटिन एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आँखों के लिए बेहतर होता है, तो ये किया हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको नोट करते जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, यानी हेल्प्स इन वेट रेगुलेशन। यानी वेट रेगुलेशन में बहुत ही बेहतर काम करता है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें डाइट में लेते हैं, लेकिन अगर जो हरा साग सब्जी लेते हैं, बीज का कवर के साथ अगर जो दाल लेते हैं, और भी बहुत सारा जैसे मिलेट्स लेते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने आप वेट धीरे धीरे नॉर्मल रहता है, यानी एक्सेस वेट होता ही नहीं है, ओवर वेट जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, तो ये क्या करेगा, वेट को रेगुलेट करता है। और जब वेट रेगुलेट होता है तो क्या होता था, इसके साथ साथ बेटर मेटाबॉलिज्म, यानी वेट को भी रेगुलेट करता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, बेहतर करता है। और ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन बर्निंग विच हेल्प्स इन बर्निंग। अब ये दोनों जब बेहतर होंगे तो क्या होगा, क्या बर्न होगा, मोर फैट हो जाएगा,
यानी जो एक्सेस फैट होता है जिसकी वजह से ओवर वेट होता है उसको ये बर्न करने में हेल्प करता है। जब बर्न करेगा तो क्या हो जाएगा कि ओवर वेट नहीं होगा, और इसलिए कह सकते हैं सो गुड फॉर वेट लॉस, यानी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ग्लूए का अगर जो आप एक नॉर्मल यूज करते हैं, एक्सेस नहीं करना है, नॉर्मल यूज करते हैं ताकि आपको लेने में भी इजी हो, कड़वा भी ज़्यादा ना हो, और नॉर्मल में लेते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को और फैट रेगुलेशन को मेंटेन करता है, क्योंकि एक्सेस जो भी फैट होता है उसको बर्न करता है जिससे ओवर वेट नहीं होता है। अब नेक्स्ट है इसका, ये क्या करता है कि जो भी एक तरह से शुगर की बीमारी है यानी डायबिटिक पेशेंट है उसमें ये डायबिटीज़ को मैनेजमेंट करता है, यानी डायबिटीज जो भी बीमारी होती है यानी शुगर लेवल को मैनेज करने का काम करता है, और जब मैनेज होगा तो बीमारी नहीं होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डायबिटीज मैनेजमेंट, यानी ये डायबिटीज़ के बीमारी को मैनेज करता है, यानी डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है, यानी लिख सकते हैं गुड फॉर डायबिटीज डिजीज। यानी अगर जो इसको लेते हैं तो डायबिटीज अगर जो है तो धीरे धीरे उसको माइनस कर देगा, एक शुगर का जो ऑप्टिमम रेंज होता है उस रेंज में ला देता है, यानी तो ये इससे फ़ायदे हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसका, इसको नोट करते चलेंगे कि ये जो हेयर फॉल है उसको रोकता है, यानी आप लिख सकते हैं प्रिवेंट्स हेयर फॉल। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है बाल का गिरना, तो अक्सर लोग सुंदर दिखने के लिए चाहते हैं कि बाल ना गिरे, तो बहुत चिंतित रहते हैं ये तेल लगाएं वो शैम्पू ये साबुन, तो अक्सर ऐड में आता होगा देखते हो कि इसमें ये गिलोय है तो उसमें एलोवेरा है तो फलाना फलाना ऐसे करके आता है। तो गिलोय क्या करता है कि बाल गिरने से बचाता है, यानी रूट मैनेजमेंट एक तरह से, यानी सर्कुलेशन बढ़ाता होगा या कोई इस प्रकार का फंगल डिजीज जो होता है उसको प्रिवेंट करता होगा, उसको ट्रीट करता होगा जिससे बाल गिरते नहीं हैं। तो ये लिख सकते हैं गुड फॉर हेयर, यानी बालों के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा काम करता है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि ये दसवां जो है यहाँ नोट कर लेते हैं, ये एक प्रकार से एंटी ऑस्टियोपोरोटिक होता है, एंटी ऑस्टियोपोरोटिक, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोटिक मिलता जुलता है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है यानी जिससे क्या होता है बोन की डेंसिटी घटती है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या आप अच्छी डाइट नहीं लेते हैं तो बोन की डेंसिटी क्या होती है घटती, यानी बोन धीरे धीरे कमज़ोर होता है। जैसे एक डेंस वुड है जैसे शीशम की लकड़ी है और एक नॉर्मल जो जैसे आम हो गया पीपल की लकड़ी है, उसमें आप देखेंगे शीशम की लकड़ी काफ़ी डेंस होती है, इससे मजबूत होती है, और आम है या पीपल की लकड़ी है तो उसकी जो डेंसिटी होती है शीशम की लकड़ी की अपेक्षा कम होती है। तो उस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे डेंसिटी बोन की घटती है तो बोन टूटता जल्दी है, यानी कमज़ोर होता है और इजीली टूट जाए। जैसे आप देखेंगे ओल्ड एज में बोन की डेंसिटी खाने पीने की कमी की वजह से या अच्छी डाइट नहीं होने की वजह से या कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें डिग्रेड होता है,
तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, डेंसिटी घटती है, तो उसमें ये बहुत कारगर काम करता है, यानी जो उसकी डेंसिटी घट रही है उसको घटने नहीं देता है, और एंटी ऑस्टियोपोरोटिक होता है, यानी गिलोय क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट के ग्रोथ को यानी स्टिमुलेट, ऑस्टियोब्लास्ट ग्रोथ यानी स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। जब ऑस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेट करेगा यानी ऑस्टियोब्लास्ट का ग्रोथ होगा तो क्या करेगा, वो जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन होगी यानी ऑस्टियोपोरोटिक होने की होगी वो नहीं होगी, और इसकी वजह से वो बोन मजबूत होती है और क्या करता है एंड इम्प्रूव, और क्या करता है ये मिनरलाइजेशन को इम्प्रूव करता है एंड इम्प्रूव मिनरलाइजेशन ऑफ, उसको यहाँ नोट कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, बोन मैट्रिक्स यानी बोन मैट्रिक्स यानी आप देखेंगे कि जो भी खाते हैं उसमें बहुत सारी मिनरल चीज़ें होती हैं, तो इन मिनरल चीज़ों का यूज करता है और बोन मैट्रिक्स मिनरलाइजेशन करेगा और ऑस्टियोब्लास्ट की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी होती है होती नहीं है, यानी बोन डेंसिटी क्या होगी, कम नहीं होगी, मेंटेन रहेगी। जब मेंटेन रहेगी तो बोन टूटने का या कमज़ोर होने का डर ही नहीं रहेगा। तो ये इस प्रकार से बहुत ही बेहतर काम करता है, इसको नोट कर लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि ये एंटी ऑस्टियोपोरोटिक है, फिर आप देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है, फिर आप देखेंगे कि ये वेट रेगुलेशन और अच्छा मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, फिर आप देखेंगे कि ये फैट को बर्न करता है, यानी आप अक्सर सुने होंगे कि हम जा रहे हैं दौड़ने या जा रहे हैं ये जिम करने या फलाना फलाना ये, तो फैट हमारा बर्न होगा तो वो करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर जो ये लेते हैं गिलो लेते हैं एक ऑप्टिमम रेंज में तो अपने आप रेगुलेशन होता है। यानी पहले के ज़माने के लोगों को देखें कि हाँ कितना अच्छा शरीर होता था, कोई ओवरवेट नहीं होता था, चूँकि वो सब कुछ लेते थे, सब कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते रहते थे, तो उससे मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता था, जिससे बेटर मेटाबॉलिज्म होता था, फैट रेगुलेशन होता था, और इन सब चीज़ों की वजह से डायबिटीज़ भी मैनेज होता है, और इस प्रकार से उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, शुगर कंट्रोल रहता है, और ये एंटी ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं यानी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी को होने नहीं देता है। इस प्रकार से आप इसका यूज़ देखिए कितना सारा है और बहुत सारा ये बेनिफिट्स देता है, और इसका नाम क्या है, गिलोय अमृता गुडुची, साइंटिफिक नेम है टिनोस्पोरा कार्डी फोलिया, और फैमिली है मेनिस्पर्मेसी। इस प्रकार से देखेंगे कि बहुत ही बेहतर ये एक तरह से मेडिसिनल वैल्यू लेके आता है ये गुडुची यानी गिलोय, और ये पार्ट टू में, इसके बाद पार्ट थ्री में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो बेनिफिट्स हैं उनको, इसको नोट कर लेंगे।